पूरे देश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन चुनावों के ऊपर भी एक माहौल होता है जिसे बोलते हैं आचार संहिता। क्या होता है आचार संहिता, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे आचार संहिता क्या होती है और क्यों लगती है और किसके ऊपर लगती है। 2019 की जो आचार संहिता है वो है 10 मार्च से शुरू होकर 23 मई 2019 तक जारी रहेगी। चुनाव आचार संहिता का मतलब होता है कि आयोग में वह निर्देश जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति विशेष के लिए, और ये है तब तक लागू रहता है जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए। हर एक चुनाव को लड़ने वाले नेता को और पार्टी उम्मीदवार को इसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई उम्मीदवार इसका पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार होता है कि वो उनका कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, यहाँ तक ही नहीं वो उसके ऊपर FIR तक भी कर सकते हैं और उसको जेल भेजने तक का भी पूरा प्रावधान होता है, पूरी पावर होती है चुनाव आयोग के पास। हम आपको बता दें कि चुनाव की तारीख जिस दिन से लागू होती है उसी दिन से आचार संहिता भी लागू हो जाती है। यही नहीं, कोई भी नेता या प्रधानमंत्री भी किसी आगामी योजना का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन के ऊपर कई तरीके के अंकुश लग जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे आचार संहिता के अंदर क्या काम नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, ऐसा आचार संहिता में होता है। रैली करनी हो तो उसकी इजाजत पहले पुलिस से लेनी होगी। लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होता है। सरकारी खर्च से किसी पार्टी विशेष को लाभ नहीं पहुंचा सकते। उम्मीदवार किसी भी मतदान को किसी प्रकार का लालच नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा, शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं किया जा सकता। अधिकतर पार्टी के विशेष लोग वोटर्स को लुभाने के लिए उनको शराब या पैसे या कुछ गिफ्ट वगैरह देने की प्रचलन काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन यह भी आचार संहिता के उल्लंघन में ही आता है और जो गैर जमानती वारंट इशू हो जाते हैं। यही नहीं, सरकारी गाड़ी या सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, यह भी आचार संहिता के अंदर ही आता है। इलेक्शन से कुछ टाइम पहले या उम्मीदवार राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध पास के बगैर कोई भी बूथ में नहीं घुस सकता। आचार संहिता का निर्माण इसलिए हुआ था कि सभी कैंडिडेट, सभी नेता, सामान्य वर्ग के लोगों को आराम से वोट डालने का अधिकार मिल सके और चुनाव के अंदर कोई भी धांधलेबाजी ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने ऐसी कुछ शर्तें बनाई हुई हैं। अगर इन शर्तों में से कोई भी इलेक्शन कमीशन की शर्तों को नहीं मानता है तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार होता है कि जो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर आचार संहिता एक्ट पूरा लगता है और उसके ऊपर आचार संहिता प्रबंधक कोई भी एक्शन ले सकते हैं कानून के दायरे में रहकर। अगर आपको लगता है कि कोई भी चुनाव के वक्त इस तरीके का वायलेंस हो रहा है या कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आप इसकी कंप्लेंट सीधा चुनाव आयोग में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी खबरें पहुंच सके आप पे सबसे पहले।